الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك तारीख़ इस्लाम के लेक्चर, तारीख़ इस्लाम का 607वां लेक्चर आली जनाब डॉक्टर अकील हाशमी साहब हमसे मुखातिब करने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस हॉल मस्जिद आलिया में आज बतारीख किया है 17 अगस्त मुताबिक 9 शवाल मुनक़िद हो रही है। अभी आप खुशिलान खारी जनाब इरफान अहमद साहब से खिरात कलाप आप सुनने की शरफ हासिल की। डॉक्टर अकील हाशमी साहब हमारे लिए कोई नए मुखरिर नहीं हैं, हमारी कई महाफिल को एड्रेस किए कर चुके हैं, मुखातिब कर चुके हैं इकबालियात के ऊपर, तारीख इस्लाम के ऊपर, शरीयत के मुख्तलिफ मौजूआत से आप हमको मुखातिब कर चुके हैं। तो मैं मौजूद साबईन बुजुर्गों दोस्तों, तारीख़ इस्लाम की ये नशिस्त ग़ज़वे बद्र का तारीख़ी पस मंज़र के उनवान से मुनक़िद की गई है। इस उनवान के तहत अपने कुछ तालिबे इल्माना ख़यालात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। वैसे भी आप सभी हजरात की खदमत में मैंने बारहा अर्ज किया है कि तारीख दरअसल खुसूसन इस्लामी तारीख हमारे आबो अजदाद की वो सरगुज़िश्त है या उनके कारनामों का एक ऐसा अहाता करने वाली दास्तान है जो हकीकत पर मबनी है, किस्से कहानियाँ नहीं हैं। वैसे भी कुरान का आप मुताला करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में पैगम्बरान बरहक के वाक़यात को, क़सस को बयान किया है ताकि इबरत नसीहत हासिल करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का वो कौन सा गोशा होगा कि जो हमारे लिए मिशन राह या हिदायत का पेश खैमा ना हो। सच बात तो ये है कि तारीख दरअसल हमारी अपनी तारीख है, मुसलमानों की तारीख है, अक़वाम की तारीख है, मिलल की या मिल्लतों की तारीख है। लेकिन इन तमाम तारीखों के दरमियान जब इस्लामी तारीख की बात आती है तो इस कदर रोशन और ताबनाक है कि उससे नज़र बचाना दुश्वार ही नहीं, मुहाल है। ख़ास तौर पर मैंने ये उनवान इसलिए भी मुकर्रर किया, मुंतखब किया कि शायद अभी एक हफ्ता अशरा गुजरा है, हमने माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और सआदतों से खुद को बैरवा करने की बहुत कोशिश की। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला उसकी बरकतों और रहमतों से हमें नवाजे। दरअसल ग़ज़वे बद्र 17 रमजान मुबारक की मुबारक तारीख में वक़ूअ पज़ीर हुआ और
ये वो गज़वा है। पहले आप हजरात की खदमत में ये अर्ज कर दूं कि गज़वे में जंग और सीरिया में फ़र्क होता है। वो तमाम जंगें या वो तमाम लड़ाइयाँ कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस खुद तशरीफ़ फरमा हो उसकी क़यादत किया और फिर आपने नहायत ही बेमिसाल अंदाज में उसकी क़यादत और उसकी रहनुमाई की, उन तमाम जगहों को गज़वा कहा जाता है। और सीरिया भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है अरबी तारीखों में, तफ़ात इब्न साद हो या इब्न हिशाम हो या तिबरी हो या और कोई जिसकी किताबें हों, उनमें सीरिया कहा गया कि वो जंगें या वो महिमात कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ न ले जाएं, बल्कि आपने मुकर्रर फरमाया सहाबा में से किसी को अमीर बनाया और उन्हीं की सरकर्दगी में वो मुहिम सर हुई या मुकम्मल हुई, उसको सीरिया कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया नास्तूत में आपने 63 साल की उम्र शरीफ तक अपनी हयात को आपने आपके सामने हिदायतों के लिए सामने अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत से पेश किया। इसमें ख़ास तौर पर 40 साल का दौर, बल्कि 53 साल का दौर मक्के में गुजरा और 10 साल मदीने में गुजरा। नबुव्वत के मुकम्मल 23 साल हुए। 40 साल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से सरफराज किया गया, आप नबी मबूस किए गए और वहाँ से 63 साल यानी 23 साल के अरसे में दीन इस्लाम की तबलीग, उसकी वसअत, उसकी इस्तेहकाम और उसकी दलील, हम आप शाम की मुहिमात को तय करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। इन 23 सालों में बतौर ख़ास पहले जो 13 साल हैं वो मक्के की ज़िंदगी है और बाकी के 10 साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुबारका में या मदीनतुर रसूल में या तैबा में या बाद इलाकों में, उसके कई नाम आए हैं, उसमें आपने गुजारा और वहीं आप आसुदा फरमाए। हिजरत का एक ऐसा वाक़या इन 23 सालों के दरमियान वक़ूअ पज़ीर हुआ जो तारीख़ी एतबार से बड़ा फ़ैसला कुन, बड़ा इनकलाबी और गैर मामूली रहनुमाई का बायस बना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत जब फरमाई तो हिजरत से पहले मक्के के जितने वाक़यात हैं इन सब पर अगर आप नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किसी गोशे, किसी पहलू, किसी जाविये से मुसलमानों ने कुफार और मुशरिकीन और दीगर अक़वाम यहूद और नसारा के खिलाफ न तो सब बंदी की और न मारेका आराई की और न किसी तरह का एहतजाज किया, हत्ता के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोब अबी तालिब के बाद हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद, हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के बाद आपने ताइफ का सफ़र भी किया। ताइफ में आप पर मजालिम और इस तरह की शरारतों के साथ आपको सताया गया कि तारीख़ ये बताती है कि आपके नालायन मुबारक में खून जम गया था, उसकी चपचपाहट को खून की आपने महसूस किया, इसके बावजूद आपने दुआओं से सरफराज किया लेकिन एहतजाज नहीं किया और ना ही आपने सब बंदी की या मारे का आराई पर मुसलमानों को न सिर्फ आमदा या उकसाया और ना खुद ही आपने उसकी ख़यानत की। लेकिन हिजरत के बाद, हिजरत तैबा में मदीने में हुई, मदीने का नाम यसरिब था,
यसरिब वो इलाका है जहाँ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ खुसूसन बुखार और मुतादी बीमारियाँ भी वहाँ होती थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ फरमाई के बाद वो इस कदर पाकिज़ा मुतहर और मुअत्तर हो गया कि आज तक बल्कि क़यामत मदीने की जो फ़ज़ा है वो सबसे जुदागाना, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अरबा, सबसे पाकिज़ा, और उसी का नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुनासिबत से मदीनतुर रसूल कहा गया। लेकिन मदीनतुर रसूल कहते कहते अब सिर्फ मदीना कह देना ही मदीनतुर रसूल के मानों में ले लिया जाता है। मदीना दरअसल शहर को कहते हैं, मदीना मदीनतुर रसूल, रसूल का शहर। अब इस बुनियाद पर मदीने की तशरीफ आवरी से पहले वहाँ दो बड़े कबीले होते थे, औस और खजरज। ये एक अलग उन्वान है कि औस और खजरज के जो वफूद थे, जो वफ थे, वो मक्के आए और मक्के में आप से मुलाकात हुई और फिर इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता मदीने में फैलने लगा। खुसूसन मुसब इब्न उमैर, जिनके बारे में मशहूर है कि वो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत हद तक मुशाबहत रखते थे, वो मदीने शरीफ गए और वहाँ उन्होंने तबलीग का काम अंजाम दिया इब्तदान, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुक्म हक ताला सुबहानहु आपने हिजरत फरमाई। हिजरत का वाक़या ख़ुद एक अलग उन्वान है। मुसलमान मदीने के मुसलमानों का, जिनको अंसार कहा जाता है, उनका मुसलमान होना और उनके मुतालिक मुख्तलिफ जो वाक़ियात हैं उनका अदा करना या उनकी तफसील बयान करना, वो भी एक अलग सा उन्वान है। छोटे से वक्त में इन तमाम बातों का अहाता मुश्किल है, इसलिए मुख्तलिफ अवकात में तारीख़ इस्लाम के ज़रिए से अगर हम इन वाक़ियात से अपने आप को दो चार करते रहें, हम किनार करते रहें, वाकिफियत हासिल करते रहें, तो यकीनन हमारे सामने एक ऐसा तसलसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का, सीरत तैयबा का सामने आएगा, जो हमारे लिए राह और हमारे लिए रहनुमाई का बायस बने। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मदीने में दो कौमें, दो कबीले थे, औस और खजरज। इन दोनों कबीलों में बरसों से लड़ाई हुई, छोटी छोटी बातों पर, बल्कि अपनी अनानियत के लिए, अपनी क़ुव्वत और जबरूत बताने के लिए, अपनी ताकत का इजहार करने के लिए, कबीले की उसत को बताने के लिए और दौलतमंदी का इजहार के लिए मुख्तलिफ उनवाना से ये लोग इंतकामी अंदाज में एक दूसरे से हमेशा नबर्द आजमा होते थे, मुकाबला करते रहते थे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मिलने के बाद मक्के में इन गुरुओं की मुलाकातें हुई और फिर जब मुसलमान होने लगे तो एक बड़ी जमात इनकी, मुसलमानों की, मदीने में जो यसरिब कहलाता था वहाँ मौजूद थी। उनका बड़ा इसरार था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जो मुश्किलात से दो चार हैं उनसे छुटकर मदीने में आकर अपना आराम से अपने काम को, अपने मशीन को जारी रखें। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि कहा कुरान में, इल्ला वाहयुन युहा, कि रसूल अकरम खुद अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहते जब तक के आप पर वही का नज़ूल नहीं होता। इल्ला वाहयुन युहा कहा गया कि जब तक आप पर वही का नज़ूल नहीं होता आप कोई आगे काम अंजाम नहीं देते। इसी वजह से आप वही का इंतज़ार कर रहे थे, जब परवरदिगार की तरफ से आपको हुक्म मिला तो आपने हिजरत फरमाई। मुख्तसर ये कि आप मदीना पहुंचकर सिर्फ महज दो साल हुए थे, लेकिन इन दो सालों के दरमियान भी आपकी नज़र हमेशा इस तरह बेदार मगज़ी का मुजाहरा करती कि दुश्मन कहाँ से, कैसे, कहाँ मुसलमानों को मगलूब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, खुसूसन यहूद नसारा,
جو مدینے میں بھی رہتے تھے, اور ایسے میں 2 سال کے عرصے میں یہ غزوہ رونما ہوا, یہ جنگ لڑنی پڑی جو غزوہ بدر کے نام سے ہمارے پاس تاریخ میں اور خصوصاً سیرت نگاری میں مشہور و معروف ہے. اس طرح آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اسلام نے 13 سال مکی زندگی میں جہاں احتجاج نہ کیا ہو, کسی قسم کا ہتھیار نہ اٹھایا ہو, نہ کسی قسم کی سب بندی کی گئی ہے, لیکن محض 2 سال کے عرصے میں اپنے آپ کو اس قرار تیار کر گیا کہ دشمن کے ایک بڑے گروہ کو, بڑی تعداد کو مقابلے کے لیے للکارنے لگے. یہ غزوہ بدر محض 313 افراد پر مشتمل ہے, جس میں اگر تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں تو اوس و خزرج کے 70 آدمی ہیں. 313 میں 140 تو اوس و خزرج کے ہوئے, اب ماں باقی جتنے ہیں وہ سب مہاجر ہیں. مہاجر وہ جو ہجرت کر کے مدینے کو آئے, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر کی حیثیت سے تشریف لائے, اور پھر وہاں عہد مواخات ہوا, بھائی بنائے گئے, ایک تفصیل ہے اس کی. یہاں چونکہ غزوہ بدر سے متعلق مجھے گفتگو کرنا ہے, اس لیے ایک پس منظر کے طور پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ 13 برس مکے کی زندگی میں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی مصیبتوں اور صحبتوں اور دشواریوں سے دو چار رہنے کے باوجود کبھی آپ نے مسلمانوں کو لڑنے پر, جنگ پر, غزوے پر, یا دشمنوں یا مقابلہ کرنے کے لیے منافقین اور کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے آمدہ یا پیکار نہیں کیا. لیکن 2 سال کے بعد میدان بدر میں آپ نے 313 افراد کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور اس کی استحکام اور اس کی بلندی اور عفت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا. اب اس پس منظر میں, تاریخی پس منظر, تاریخ میں نے جیسے کہا کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اقوام کی زندگیوں کا, ان کے رہن سہن, ان کے عروج و زوال, ان کی معاشرت, ان کے اندر فتح مندی اور زوال, مختلف قسم کے امور پر گفتگو کرنے کا ایک سلسلہ ہے, ایک داستان ہے, ایک قصص ہے, جو ہم کو معاشرتی اعتبار سے, ہم کو اسلامی نقطہ نظر سے بھی دین کو سمجھنے اور اس پر اپنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سمجھاتا ہے. یہ ہے تاریخ کا مطالعہ. تاریخی پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دانشمندی اور غیر معمولی بے مثال بہادری اور طاقت کے اظہار کے لیے آپ نے اپنے جاسوسوں کو رکھا تھا. ہمہ اقسام کی خدمتیں موجود تھیں. آج بھی ہمارے درمیان جو سر ہوتا ہے, سر ہی کہتے ہیں چھپا ہوا, سر اسی سے اسرار ہے, چھپی ہوئی بات. سری ادب ہوتا ہے, چھپا ہوا بھی ادب ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جاسوسیاں بھی ہوتی ہیں اقوام کے اطراف ان کے انداز میں کہ وہ کہیں سازش کر کے نقصان پہنچانے کے آمادہ تو نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوجوانوں کو مدینے کے آپ نے تیار کیا تھا اور ان کو اس بات پر تیار رکھا تھا کہ دیکھو اطراف اکناف کفار و مشرکین کے کیا اعمال اور کیا سازشیں اور کیا طریقے اسلام کے خلاف برپا ہو رہے ہیں. چنانچہ وہاں ایک اطلاع یہ ملی مسلمانوں کو کہ ایک تجارتی قافلہ شام سے مکے کی جانب جا رہا ہے. ایک بات اور بھی بتا دوں, جغرافیکل انداز میں, یہ جغرافیائی انداز میں, کہ بدر کا جو مقام ہے وہ مدینے سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 20 کلومیٹر, آج بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 20 کلومیٹر کتنا دور ہوتا ہے. وہ مقام سے مکے کے تمام قافلے
تجارتی انداز سے گزرتے تھے. تو مسلمانوں نے خاص طور پر اس بات کی طرف اپنی خبر گیری رکھی کہ کہیں یہ جو قافلے تجارت کے جا رہے ہیں کہیں پلٹ کر محض 20 میل کا فاصلہ طے کر کے مسلمانوں پر حملہ آور تو نہ ہو جائیں ان کے تحفظ کے لیے. ہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ مسلمانوں نے کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کے بعد سے شاید آج تک بھی میں کہنے کے موقع پہ ہوں کہ کبھی مسلمانوں نے حملہ آوری کا انداز اختیار نہیں کیا, بلکہ جب کبھی موقع ہوا انہوں نے دفاع کیا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ہتھیار اٹھایا. دفاعی حرکت, دفاعی مورچہ سنبھالا گیا, لیکن حملہ آور کی صورت سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا, جی نہیں, تلوار اسلام نے اس وقت اٹھائی جب ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی. تو مسلمانوں نے اپنے تحفظ کے لیے, جس کو حفاظت خود اختیاری کہا جاتا ہے, اس میں خود اختیاری میں انفرادی کیفیت بھی ہے, اجتماعی کیفیت بھی ہے. جب انفرادی کے معنی میں اکیلا اگر دفاع کروں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے, کوئی حملہ آور کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں, تو لیکن یہ بھی سوچئے کہ میرے اہل خانہ بھی ہیں, میرے اہل خاندان بھی ہیں, میرے عزیز اقارب بھی ہیں, میرے محلے اور گاؤں اور شہر والے بھی ہیں. یہ سب مسلمان ہونے کے ناطے المسلم وعقل مسلم کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فرض ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں. اسی وجہ سے جہاں اجتماعی بات آتی ہے تو مسلمان اجتماعیت کو انفرادیت سے بدلتا نہیں, بلکہ انفرادیت کو اجتماعیت سے بدل دیتا ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس یا اطلاع کرنے والوں کو یہ پتہ لگا کہ شام سے ایک قافلہ تجارت کا جو سرکردگی میں جا رہا ہے مکے کے سردار ابو سفیان کے تحت, اور وہ قافلہ بڑا قیمتی مالیت کا تھا, یعنی تاریخ میں کہا گیا کہ 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان اس تجارتی قافلے میں موجود تھا, اور وہ قافلہ اسی راستے سے گزر رہا تھا کہ جس راستے میں بدر کا میدان پڑتا ہے. 20 کلومیٹر کا معاملہ ہے. اب تاریخی اعتبار سے, جغرافی کے اعتبار سے 20 کلومیٹر زیادہ دور نہیں. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ یہ تجارتی قافلہ تو ضرور جا رہا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجارت کرنے والے تاجر اپنے تحفظ کے لیے ایسے سپاہیوں کو, ایسے بہادر نوجوانوں کو بھی ساتھ رکھیں گے جو وقت آنے پر جنگ و جدال کے لیے تیار ہو جائیں, یا اگر ان کے اندر شرارت آ جائے تو آگے بڑھ کر, چونکہ مسلمان نئے نئے تازہ تازہ دین میں داخل ہوئے ہیں اور مکے میں 13 سال ستائے گئے ہیں, اب ان کی چھوٹی سی جماعت مدینے میں آئی ہوئی ہے, تو کیوں نہ اس چھوٹی سی جماعت پر غلبہ حاصل کر لیا جائے, اور تاکہ نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن اسلام ہی کو فنا و برباد کر دیا جائے, تاکہ یہ مذہب پنپنے نہ پائے, ترقی نہ کر سکے. ادھر یہ خیال اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکہ بندی کی غرض سے, کہ آپ نے کہا کہ کچھ نوجوان ایسے تیار ہوئے ہیں کہ اگر یہ قافلے والے مدینے کی طرف اگر دشمن کی انداز میں حملہ کرنے کے انداز میں اگر رخ کریں تو پھر ان کی دفاع کے لیے حملہ نہ کریں, ان کو نہ چھیڑا جائے, مگر اپنی تحفظ کے لیے تیار ہیں. چنانچہ 15 رمضان المبارک کو پہلا دستہ
जिसको फौजी एतबार से हरावल दस्ता कहा जाता है। हरावल दस्ता यानी वो छोटी सी टुकड़ी जो मकामात का तायुन करके जंग का एक अहाता करते हुए अपने आप को खाबों में रखते हुए एक माहौल फराहम करें जंग का, उसको कहते हैं हरावल दस्ता। 15 रमजान को मदीने से बहुकमे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में पहुंचा, लेकिन इधर एक मक्के की वादियों में एक जासूसों ने, जो कुफार के जासूस थे, उनके पास ये इत्तला पहुंची कि जो काफिला शाम से निकला है तिजारत का, मालूम ये हुआ है कि मुसलमान उसको रोकना चाहते हैं। गलत बात क्या हो रही है, इधर तहफ्फुज का मामला हो रहा है और उधर इत्तला ये जा रही है कि ये काफिले को एक तरह से रोक कर मुसलमान कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ अपना ताकत का इजहार करना चाहते हैं। और उस जमाने में एक अजीब तरीका था, जब कोई ऐलान किया जाता तो हरकारे होते थे, ढंडोरची जिसे कहते हैं, ढंडोरा पीटने वाले, वो लोग कुछ और काम नहीं करते थे, बल्कि अरब का तरीका भी ये था कि जब कोई ऐलान करना होता, कोई हंगामा खेज ऐलान करना होता, तो लोग सरे बाजार होकर बरहना हो जाते थे। कभी तो काबतुल्ला के अहाते में चले जाते और वहां अपने आप को बिल्कुल नंगा कर देते। उसका ऐलान था कि एक आफत आने वाली है, ये ऐलान इस बात का है, मुतखाजी है कि अब तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि वो शख्स तो ढंडोरा पीट रहा है, वो बिल्कुल बरहना हो गया और ये ऐलान कर रहा है कि ऐ मक्के वालों, वो जो काफिला शाम से निकला है वो अभी मक्के को 2 दिन होना चाहिए था पहुंचने तक, अभी वो पहुंचा नहीं है, मुमकिन है कि मुसलमानों ने उस काफिले को रोक लिया, ऐसे में क्या तुमको गवारा है कि तुम्हारा तजारती माल भी लूट जाए और तुम्हारे अहलो आयाल के जो जिम्मेदार मर्द आदमी हैं, वो जो तिजारत करने बार शाम को गए हुए हैं, वो वापस ना आए बल्कि दुश्मनों के तेख से या उनकी लड़ाई से वो लोग खत्म हो जाए। उमन ये होता था, काफिले जब जाते थे तो 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने का सफर दरपेश होता, और सफर के बाद जब मकाम पर अपने पहुंचता, खुसूसन मक्के के इलाके में पहुंचता, तो मक्के की समाजी जिंदगी में एक खुशियां आ जाती थी इस तरह की कि औरतें बनती संवरती थी, क्योंकि उनके शौहर, उनके अजीज व अकारीब उनको दौलत से मालामाल करने के लिए खुद ब खुद तशरीफ ला रहे। ऐसे में बरहना होकर ये ऐलान करना कि कोई आफत आने वाली है, सबको उन लोगों ने परेशान कर दिया। और फिर उन्होंने लातो हुबुल और मनात, यगूस, नसर, यऊक, ये जितने बुत हैं इनके नामों पर एक फौज को जमा करने की कोशिश की और कहा कि अब मुसलमानों से फैसला कुन लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचे आनन फानन में कहा जाता है कि महज चंद दिनों में, 2-1 दिनों में करीब करीब 900 से ज्यादा नौजवान तलवार सोच कर अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हो गए, और उन सब की सरदारी के लिए उस शख्स को बुलाया गया जो फिरौन उम्मत कहलाता है। आपको मालूम है फिरौन उम्मत कौन है? जहां मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फिरौन था वो रमेसिस दुवम था, वो फिरौन था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यह आया है कि मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। आप गौर कर लीजिए, उसकी सरदारी में 1000 के करीब नौजवान तैयार हुए और उन्होंने
अपने आप को इस तरह तैयार किया कि अब मुसलमानों से फैसला कुन लड़ाई की जाएगी। कहाँ लड़ाई की जाएगी? तो पता लगा वही इलाके में जो बद्र का मैदान है, जिस मकाम से गुजर कर काफिले आया करते हैं। अबू जहल ने ऐलान किया कि याद रखो नौजवानों, अब हम चलकर मुसलमानों का जो है लोहा लेंगे, मुसलमानों से मुकाबला करेंगे, और बदर के मुकाम पर कबल इसके के लड़ाई हो, ऐशो इशरत के तमाम सामान वहाँ मुहैया किए जाएंगे, और तमाम ऐशो इशरत के बाद इस छोटी सी टुकड़ी को जो मुसलमान कहलाती है, जिन्होंने मक्का छोड़कर मदीने में अपने आप को महफूज समझकर मुकाबले से बचने के लिए हिजरत कर गए हैं, उनसे हम मुकाबला करेंगे। इधर अबू जहल तैयार हुआ और निकल पड़ा, और इधर 15 रमज़ान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों की 313 मुजाहिदीन को, जिनमें अंसार और महाजिर दोनों मौजूद हैं, उनका हरावल दस्ता 15 को पहुंच गया, और 16 को खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए बदर के मुकाम पर। हरावल दस्ते ने काम किया कि जबकि कोई काफिला वहां नहीं आया है, शाम का काफिला, जो इत्तला थी वो इत्तला पर वो काफिला नहीं पहुंचा, तो उन लोगों ने कहा कि जब काफिला नहीं पहुंचा तो हम क्या करेंगे। लेकिन हुक्म ये हुआ कि एक दिफाई अंदाज में मोर्चा कायम किया जाए। तब उन लोगों ने बदर के उन तमाम इलाकों पर, जो जुनूबी बदर का इलाका है, उस इलाके में जहाँ चश्मे थे, पानी के कुएं थे, वहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया और अपनी टुकड़ियों को बहाल करके रख लिया। 16 को हुजूर अकरम सर तशरीफ लाए तो मालूम हुआ कि हरावल दस्ते ने जो इंतज़ाम किया है वो बहुत ही इत्मीनान बख्श। अब 17 के दिन ये मारेका हुआ, जिसको हम गज़वे बद्र कहते हैं। गज़वे बद्र के मारे में आप ये कहेंगे कि इतना बड़ा वाक़या है, कुरान में भी खुद इस बात की तरफ हमको इशारा मिल जाता है। आपको अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो सूरह अनफाल पढ़िए, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो पहली मारिकतुल आरा जंग, या जिसको गज़वे बद्र कहा जाता है, आपने लड़ी, उसका पूरा वाक़या उसमें अल्लाह ताला ने कुरान में दर्ज किया है। और तो और फरिश्तों के ज़रिए से जो मदद की गई है, जो कुमक और जो पुष्टि की गई है, फरिश्तों का नुज़ूल जो हुआ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का जो समरा हासिल हुआ है, तो उसमें आपको पता लगे। सूरह अनफाल पढ़िए, सूरह अनफाल में आया है कि फलम तखूल हूँ वला किन्न अल्लाह वमा रमैता इज रमैता वला किन्न अल्लाह रमा। ये 17वीं आयत है सूरह अनफाल की, जिसमें परवरदिगार फरमा रहा है कि तुम लोगों ने उन्हें कब कत्ल किया? कत्ल तो अल्लाह ने किया है, कत्ल अल्लाह के अल्लाह ने कत्ल किया है, और फिर वो मा रमैता इज रमैता वला किन्न अल्लाह रमा, के जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार और मुशरिकीन की जानिब चंद मिट्टी के, आपने मिट्टी उठाकर उनकी जानिब फेंकी थी, तो कंकरियों की तौर पे फेंकी थी। परवरदिगार फरमाता है कि वो कंकरियां, ऐ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नहीं फेंकी बल्कि हमने उन पर वो कंकरियां फेंकी। तो मालूम हुआ कि गज़वे बदर की अहमियत और अजमत का आलम यह है कि कुरान में उसका जिक्र आया है, और फिर मकाम बदर के नाम के साथ आया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये मारेका, ये गज़वा जो वो अव्वलीन गज़वा है इस्लामी तारीख का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल पूरी हयात तैयबा का 23 साल जो दौर है रिसालत का, उस 23 साल दौर में 13 साल तो मक्की ज़िंदगी के गुजर गए, लेकिन मदीने के महज 2 साल नहीं गुजरे हिजरत के बाद ये वाक़या ज़रूर हुआ, और जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है।
और फिर इस मकाम पर मैं आपको बताऊं कि 17 तारीख के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बंदी की। एक अजीब बात हमारी समझ में आती है कि आपने जो क़ियादत की, जो सिपासालाराना अंदाज में आपने जो फौजों की सब बंदी की, वो अजीब व गरीब अंदाज में। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 313 में 70 ऊँट हैं, 2 घोड़े हैं, 2 घोड़े और 70 ऊँट, 313 सिपाही और उधर 900 का लश्कर, 1000 का लश्कर है लगभग, और इस 1000 के लश्कर में ये 313, तो 313 में परवरदिगार की जनाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वसुद्धा हैं। कहा जाता है, तारीख में कहा गया कि ऊँट के कुजावे पर आप जो बैठने का जो सीट होती है उसकी, ऊँट पर कुजावा कहलाता है, आप इस कदर झुके हुए हैं कि ऊँट के कुजावे पर आपकी पेशानी अक्दस लग रही है और बार बार आप ये दुआ फरमा रहे हैं कि ऐ रब्बुल इज्जत, ये छोटी सी जमात जो 313 अफराद पर मुश्तमल है, आज तेरे नाम की अजमतों के लिए, उसके इस्तेकाम के लिए, तेरे दीन की बका के लिए अपने आप को पेश कर रही है। अगर ये 313 की जमात अगर आज शहीद हो जाए, आज नीस्त नाबूद हो जाए, तो क़यामत तक फिर कौन तेरे नाम को बुलंद करने वाला होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, तारीख में बताया गया कि ये ऐसी रिक्कत आमेज दुआ थी कि अल्लाह ताला को ऐसी पसंद और ऐसी निजोड़ कर इस तरह परवरदिगार ने अपने नुसरत और फतहमंदी का ऐलान कर दिया, और इस ऐलान के साथ ही फरिश्तों का याब व ज़िहाब हुआ, आमद होने लगी। बादों ने फरिश्तों को देखा भी, मगर कैसे, उनकी नज़र तो कुछ और नज़र थी, लेकिन यहाँ तारीखी एतबार से तो 313 लड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कंकरियाँ जो फेंकी गई, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से फेंकी गई, तो वो क्या है, तो वो तो उसका रमज़ और उसका रास तो परवरदिगार जाने और परवरदिगार का रसूल ही जानता है। तो यहाँ ये अर्ज़ करूँ कि आपने सब बंदी की, और इस सब बंदी में कमाल ये किया कि आपने जो हिकमत अमली होती है, जो स्ट्रेटजी कहलाती है, वो ये की कि आपने मुसल्लस के अंदाज में सब बंदी की, सेरो एक रुख, दूसरा रुख और तीसरा रुख। सब जब मुसल्लस होता है तो जब जिस तरफ से रुख करके दुश्मन आए तो मुसलमान उसको सामने नजर आता है, अगर सब एक ही तरफ हो तो उसका अकबी हिस्सा भी दिखता है, यानी उसकी पीठ भी नजर आती है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली ऐसी अख्तियार की कि मुसल्लस अंदाज में सिपाहियों की सब बंदी की, और एक रुख पर जहाँ वो दर्रा था कि जिस रास्ते से आने की कोशिश होती थी, कि उन्होंने ये बात की कि अगर दुश्मन उस रुख से आ जाए तो फिर ये पूरे के पूरे मुसलमान एक रुख से आ जाएं, तो समझ में आ जाएगा कि एक सफ आई तो अगर पीछे से आने की कोशिश की गई तो दूसरी सफ नजर आए, फिर अगर इस तरफ से रुख में आए तो इस तरफ से भी उनका चेहरा नजर आए सिपाहियों का। ऐसे में आपको मालूम है इससे पहले जज़ीरतुल अरब में किसी ने इस तरह की टेक्निक या इस तरह की हिकमत अमली अख्तियार नहीं की थी कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये बड़ा कमाल है, ये क़ियादत का एक अजीब बेमिसाल कारनामा है। यहाँ और तो और आपने दस्ते भी बना दिए एक एक रुख एक एक सफ के, और वहीं आपको बताऊं कि हमारे पास झंडे की एक रिवायत है। बाद लोग मुझसे कहने लगे, एक मरतबा एक साहब पूछने लगे कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि झंडा शुरू कैसे हुआ, ये झंडे की रिवायत क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फतेह गज़वे बद्र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तीन सफ़ें और तीन मुसल्लस अंदाज से गिरोह बनाई थी, इनके तीन सरदार भी मुकर्रर फरमाए, एक हज़रत अली बिन अबी तालिब और दूसरे मुसब इब्ने उमैर और तीसरे साद बिन मआस जो अंसारी थे,
और माज इबन उमर महाजिर थे और खुद हजरत अली तो घर के थे। आप देखिए इंसाफ हो रहा है वहां भी, एक अंसार में से हैं, एक महाजिर में से हैं, एक घर वालों में से हैं, और इन तीनों के हाथों में आपने झंडा इनायत फरमाया। उस झंडे का रंग काला था, उस पर सफेद धारियां थी, और तो और इन सफों के जो सिपाही थे उन लोगों ने अपने सरों पर जर्द रंग के अमामे या जर्द रंग की चादर ओढ़ ली थी, और बाजों ने जो जर्द था, बाजों ने सब्ज यानी ग्रीन एंड येलो दो कलर, एक तीसरा जो टुकड़ा तीसरा ग्रुप जो बच गया था उसमें उन लोगों ने क्या किया जिसकी सरदारी हजरत हमजा कर रहे थे जी, उनके पास आपने क्या किया, परिंदों के जो पर होते हैं जैसे सुरखाब का पर, जैसे बांस के पर, शुतुरमुर्ग का पर, मोर के पर, कई ऐसे जो पर होते हैं वो पर आपने अपने कुलाह में अपने अपने अमामों में उन्होंने बन लिया। वो भी इस तरह का इफ्तकार और एक गैर मामूली शान का मुजाहरा। तो अब ये कौम ये गिरोह जब सामने आई और उधर तीन दिन पहले पहुंचने वाली कुफार व मुशरिकीन की फौज ऐसे शर्त में, क्योंकि उसने वादा किया था अबू जहल ने कि जब तुम बदर पहुंचो तो पूरे ऐश व इशरत के सामान के साथ उसके बाद हम टूट पड़ेंगे मुसलमानों पर, और छोटी सी टुकड़ी है उन पर हमलावर हो जाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि इधर ऐश व इशरत के मतवाले और इधर दीन के सर जो जोश में अपने आप को ईमानी जोश व हरारत में सरशार नजर आने वाले तमाम मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड में या आपकी सिपा सालारी में या आपकी क़ियादत में पहुंच गई है बदर के मैदान में। अब मैदान जंग तैयार हुआ। अरब में एक तरीक़ा था जिसको मुबारिजाना लड़ाई कहते हैं, मुबारिजाना लड़ाई के माने दू बदू लड़ाई। होता ये था कि लोग बड़े बड़े 20-20 हज़ार 25-25, 50 हज़ार 1 लाख 2 लाख की फौजें आमने सामने हो जाती थीं, लेकिन इससे पहले ये काम करते थे कि उनके पास के बड़े बहादुर पहलवान या और तलवारबाज वो लोग बाहर आते और कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास से भी कोई आदमी आए हमारा मुकाबला उस आदमी से हो। कभी कभी तो बादशाह या सरदार ये खुद आ जाता था, आके कहता था कि भाई इन तमाम की कुछ खून की ज़रूरत नहीं है, ये इंसानी खून बड़ा महंगा है, और परवरदिगार ने कहा कि किसी इंसान को किसी खता के बगैर कत्ल करने का ऐसा ही है जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, मुतरादिफ है। तो वो मुबारिजाना लड़ाई होती थी, दूबदू लड़ाई होती थी आपस में मुकाबले के लिए। अब अगर एक दूसरे में कोई अगर हार गया या मर गया तो वो ऐलान कर देता था कि मैं हार गया, मेरी पूरी फौज, मेरी पूरी रियासत, मेरी पूरी दौलत, ये सब आपके हवाले, मैं और आगे लड़ना नहीं चाहता। कभी कभी जिद या अपनी ताकत के बलबूते को बताने के लिए वो लोग करते हैं कि भाई आम हमला कर दिया जाए और बस कुछ तो खून होती है, उसके बाद जो पसपाई हुई, जिसको शिकस्त हुई शिकस्त हुई, और जो बहादुर फतेह पाया वो फतेहयाब हो गया। यहाँ भी अरब में भी ये तरीक़ा था, इसको मुबारिजाना लड़ाई कहते थे। तो अरब में यहाँ से मुसलमानों की फ़ौज आई 313 और उधर से 1000 का लश्कर सामने आया, और आने के बाद वहाँ के जो सरदार थे, अब सरदार कौन है तो मालूम हुआ कि अबू जहल तो सिपा सालार है, लेकिन बड़े बड़े सरदार मौजूद थे, उनमें इसके तीन बड़े पहलवान किस्म के गैर मामूली बहादुर और अरब के गैर मामूली खुरैश के सरदार, जिनमें ख़ास तौर पर कहा जाता है कि अबू सुफियान का खुसर यानी सुसरा उतबा नाम है उसका,
वो बाहर आया। अबू सुफियान की बीवी हिंदा, जिसने जंगे उहद में हजरत अमीर हमजा का जिगर चीर कर उसने कलेजा कच्चा चबा लिया था, वो हिंदा जो अबू सुफियान की बीवी, उसका चिचा जिसका नाम शीबा है और खुद हिंदा का भाई अलवलीद, ये तीन के तीन बाहर आए। बाहर आके उन्होंने कहा, कहाँ है बहादुर मुसलमान, कहाँ है, आए सामने। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तीन अंसारी सामने आए। जब सामने आए तो उतबा ने पूछा कि कौन हो तुम, तो उन्होंने कहा कि हम अंसारी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है और फिर तुमसे तो हम लड़ना ही नहीं चाहते, तुम लोग ज़राअत पेशा हो, तुम लोग काश्तकारी करते हो, हमको जंगजू चाहिए और हमारे लेवल हमारे बराबर का हो, हमारी तरह बात तुलो, हमारे कबीले का हो या हमारे कबीले के अंदाज का हो। उन्होंने कहा कि ये तो बात वो तीनों वापिस हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ये मामला हुआ है, उन लोगों ने हमसे लड़ने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि हल में मुबारक, हमारे से लड़ने के लिए कौन आ रहा है, आओ सामने। उतबा और शीबा वलीद सामने आए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है बुलाओ। हजरत अली को बुलाया गया, हजरत हमजा को बुलाया गया, हजरत उबैद बिन हारिस को बुलाया गया, कहा कि जाओ। जाकर उन्होंने कहा कि अब कौन आया है, तो उन्होंने कहा कि मैं हमजा हूं। हजरत अली ने कहा कि मैं अली हूं। उन्होंने कहा कि मैं उबैद हूं, तो बोले हाँ अब मुकाबला बराबर का है। सुनाते उबैद उतबा के मुकाबले में आए और हजरत अली वलीद के मुकाबले में आए और हजरत हमजा शिबा के मुकाबले में आए। ये शजाने अरब थे और फिर ईमान से मुशर्रफ होने के बाद जो ईमानी हरारत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जब आई बात, तलवार जब उठी तो क्या बात होगी, चंद लम्हों में या तो वो जिंदा खड़े थे या तो फिर ज़मीन पर लौटते नजर आ रहे हैं। हजरत उबैद किसी हद तक, चूंकि उतबा बड़ा ताकतवर था, उसने उन पर ज़र्बकारी करा, जख्मी हुए ज़रूर, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी उतबा भी मारा गया। ये तीनों के तीनों फतेहयाब होकर फौज की तरफ, अपने मुसलमानों की तरफ लौटे पलटे। इधर जब तीन सरदार अरबों ने देखा, कुफार और मुशरिकीन ने देखा कि उनके आला दर्जे के जो सिपाही थे वो मर गए, वो इंतकाल हो गया या उनको मार डाला गया, फिर उन्होंने अपने आप को बेबस पाया, परेशान हो गए और फिर उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि कुछ काम नहीं, अब तनाबा तकदीर, अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर लो, और उन्होंने आगे बढ़कर आम हमला शुरू कर दिया। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आम हमले की इजाज़त दी और फिर गैर मामूली एक मारका पड़ा। उसमें ही उसी दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ परवरदिगार, इस छोटी सी टुकड़ी, इस छोटे से गिरोह की तू अगर आज मदद न करे, तू आज इनको नुसरत और फतेहमंदी से दो चार न करे, तो फिर क़यामत तक ईमान और तेरे नाम को बुलंद करने वाले जमात कोई तैयार नहीं होगी। परवरदिगार का नुसरत और उसकी कुमक मुसलमानों के लिए आई। तारीख में बताया गया कि फरिश्तों का नुजूल हुआ और फिर फतह याबी हुई और मुसलमान फतेह मक्के बदर के पास जब लौटे तो वो लोग फतह याब होकर लौटे। मारेका तो हो गया, लड़ाई हुई, दुश्मन मारा गया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। लेकिन अजीब बात यह है, असल बात, फिक्र की बात यह है कि गज़वे
बदर की अहमियत क्या है, तारीखी पस मंजर तो आपको मालूम हुआ। गज़वे बदर की सबसे बड़ी खूबी या अहमियत यह है, अव्वल ये कि वो रमज़ान में हुआ, 17 रमज़ान याद रखिए, 15 रमज़ान को रावल गया, 16 को हुजूर अकरम तशरीफ लाए और 17 के दिन मारके आराई हुई। आरए मारके आराई से पहले आपने चंद ऐसी अहम अहम बातों की तरफ इशारा किया जो मुस्तकबिल के लिए एक लीजेंड यानी एक उसूल एक कायदा बन गया कि हर सालार एक कारमा जो होता है, फौज का सिपा सालार होता है, फौज कशी से पहले पूरी कौम को पूरी फौज को मुखातिब करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बुनियाद रखी, आपने तमाम मुसलमानों को जो 313 की तादाद में थे जिसमें 70 औस 70 खजरज के यानी 140 और माँ बाकी जितने महाजिर थे इन महाजरीन को मुखातिब फरमाया और कहा कि देखो ये बात याद रखो कि जब तुम फतेयाब हो जाओ तो अपने दुश्मन को उनका मसला कहते हैं, मीम सीन लाम पे मसला, बाद लोग से भी लिखते हैं, करते ये थे कि अपनी बहादुरी जताने के लिए कि जो मर गया है उसके कान उसके नाक उसका जबड़ा उसका सर काट के अपनी बहादुरी का सबूत पेश करने के लिए उसकी शक्ल को बिगाड़ दिया जाता था। मुसलमानों याद रखो कि तुम अपने दुश्मन का मसला नहीं करेंगे, पहली राय। दूसरी ये कि अगर कोई तुम्हारे सामने हथियार फेंक कर अमान चाहे तो तुम उसको अमान दे देना। जब तुम आगे बढ़ो अगर खेतियों तक पहुंच जाओ तो हरी खेतियों को हरे दरख्तों को कभी नहीं काटो। गौर कीजिए ये कैसे उसूल बनाए जा रहे हैं। ये पहली जंग है इस्लाम की, हिजरत के बाद की पहली जंग, इस्लाम की पहली जंग। 13 बरस गुजर गए, 10 साल के बाद हुआ तो 15वें साल हुआ है वाकया, अभी 8 साल बाकी हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के, और फिर 23 साल के दौर के बाद आपका विसाल मुकद्दस हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि इन 13 साल में कितने गजबे हुए, तो मालूम 27 गजबात हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गजबात में अपने आप को क़ियादत के अंदाज में सामने रखा और वहाँ आपने इन तमाम कैफियतों को सामने रखकर कहा कि मुसलमानों को ये लाजिम है कि अपने से जो मफ्तू है, जो हार गया है, जो शिकस्त खा गया है, तो वो उस पर जुल्म न करें, उनके अहलो आया